साथियों, देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। जिन फैसलों को कभी नामुमकिन समझा जाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। हमने रक्षा उत्पादन के पूरे इकोसिस्टम में बदलाव की शुरुआत की है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया से एक्सपोर्ट की प्रक्रिया तक हम पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और लेवल प्लेइंग फील्ड ला रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। अब 49% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है और कुछ क्षेत्रों में 100% एफडीआई का भी प्रावधान किया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी रक्षा सामानों की खरीद में भी हमने बड़े बदलाव किए हैं। इसमें मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी प्राइवेट सेक्टर, जिसे रक्षा उत्पादन में एंट्री करने में भी हिचकिचाहट होती थी, 2014 के मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा निजी कंपनियां डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स बना रही है। हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को निश्चित समय में पूरा करने के लिए भी प्रयासरत है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर्स की फाइनेंशियल पावर्स, उनके वित्तीय अधिकार में बढ़ोतरी भी की गई है। और यह पहली बार हुआ है कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के आयुध कारखानों को 250 से अधिक नॉन कोर आइटम के भार से भी हमने मुक्ति दे दी है। अब हमारी सेनाएं बिना किसी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के इन आइटम्स को निजी क्षेत्र से खरीद सकती है।